तो सब रेडी हैं गेम खेलने के लिए? यस मैम। ओके, पर मैम आपने गेम कैसे खेलना है ये तो नहीं बताया। आज जो हम गेम खेलने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी गेम है। इसमें देखो हम लोग तीन नंबर लेंगे, 1, 2, 3, और इन नंबर्स के साथ आपको अपना पोजीशन चेंज करना है। 1 का मतलब है बैठना, 2 का मतलब है उठना, और 3 का मतलब है कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। यानी अगर आप बैठे हैं और मैंने 3 बोला है तो आपको बैठे रहना है, उठना नहीं है। अगर आप खड़े हैं और मैंने 3 बोला है तब भी आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन आप जैसे 1 पे आप बैठे हो, मैंने दोबारा 1 बोल दिया तो आप बैठे रहोगे इस तरह। तो अब इसमें जो ट्विस्ट है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं ऐसे सीक्वेंस में ही 1, 2, 3 बोलूँगी। मैं कभी भी कोई भी नंबर बोल सकती हूँ। मैं 3, 2, 1, 1, 3, 2, 2, 1, 3 कुछ भी बोल सकती हूँ। इससे क्या फ़ायदा होता है? नंबर एक तो आपका कंसंट्रेशन जो है वो डेवलप होता है। कंसंट्रेशन जिसे हिंदी में हम एकाग्रता भी बोलते हैं, यानी ध्यान लगाना एक चीज़ पे, उसे हम एकाग्रता बोलते हैं या कंसंट्रेशन। तो इससे क्या होता है कि कंसंट्रेट करना आता है आपको। शूट पे हैं तो डायरेक्टर आपको क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहा है वो फॉलो करने के लिए आपको ध्यान से सुनना ज़रूरी है, वो आता है। और नंबर टू है कि आपको बॉडी पे कंट्रोल आता है। यानी अगर आप शूट पे हैं, डायरेक्टर ने आपको बोला लेफ्ट जाइए, राइट जाइए, फ्रंट आइए, तो ये दिमाग होना चाहिए कि मुझे इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करने हैं, मेरी बॉडी भी उस हिसाब से मूव होनी चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको उससे आएंगी। तो ठीक है, तैयार हैं आप लोग इस गेम के लिए? Yes, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। One, two, three, one, two, three, two, out. Sakshi out. 2, 1, out. 2, 1, 1, 1, 3, out. वही तो कंसंट्रेशन है। चलो चलो, आउट आउट आउट। 1, 3, out. 3 चलो, 3 लोगों के बीच में कांटे की टक्कर। 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1. वेरी गुड। 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1. चलो ये सबसे पहले अंकित के लिए क्लैप। ओके, तो अंकित कोई खास स्ट्रेटजी यूज की या क्या किया, मतलब कैसे जीत गए इतने लोगों को? मैम जो आपने एक्सरसाइज कराई थी कंसंट्रेशन की, तो इसमें मींस पहले मैंने आपकी बात ध्यान से सुनी, जो भी आप बोल रहे थे तो उसको ध्यान से सुना, नॉट आपके जो बॉडी लैंग्वेज का, आप कभी ऐसे कर रहे थे कभी ऐसे कर रहे थे, मैं उस पर कभी कभी हो जा रहा था, बट जो आप बोल रहे थे सुन के रिएक्ट करना है, वही एक्टिंग में भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जो सामने वाला कोई एक्टर है या डायरेक्टर है तो क्या बोल रहा है तो आपको उस हिसाब से रिएक्ट करना है, तो इससे हमें ये फायदा हुआ इसके। चलो, वेरी गुड, थैंक यू।